साहब, भाई शहनवाज दिल साहब, अली जनाब डॉक्टर नसीम इकबाल साहब, मोहिबुल्ला साहब, अमरेश यादव साहब, रोहित राजपूत साहब, आफ्ताब आलम साहब, शहनवाज आजमी साहब, इन तमाम लोगों को और आप लोगों को शरीक करता हूँ। बेटी के हवाले से चार मिसरे पढ़ता हूँ, आप तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। क्या बात है, इधर से भी आवाज आनी चाहिए कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। क्या कहने, वाह। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। क्या कहने, सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है, बहुत। इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। और चार मिसरे याद आ रहे हैं कि खुद अपने ही अमाल हमें देते हैं तकलीफ, खुद अपने ही अमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की औकात नहीं। अरे वाह, खुद अपने ही अमाल हमें दे दे। शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप अल्लाह सलामत रखे। खुद अपने ही अमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की औकात नहीं है। अरे घर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। क्या बात है, वाह। घर बेटी फसादात में मर जाए तो बहुत अच्छे, वाह। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ो। फसादात में मर जाए तो कोहराम, कुछ घर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। मुकर्रमी सामईन किराम, आपको इस तहजीब का आलम बरदार बनना पड़ेगा कि हमारी बेटियां, हमारी बहने, हमारी माएं निस्वानी ताकत बनकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है मुशायरों की स्टेज से। और ये तहजीब आपको दिखानी है आज के इस मुशायरे में कि सिमराही में अच्छी गजलों को भी सुनकर लोग दाद देते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ इस वक्त अपनी बहन गुले सबा फतेहपुरी साहिबा को आवाज देना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ आगे से पीछे तक इस्तकबाल कीजिए। इतनी मोहब्बतों से हर शायर को नवाजा जाए, आप यकीन लाएंगे मुबारकबाद है। आपके शहर में ये मेरी पहली हाजिरी है, लेकिन मुझे आपकी समातों पर पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें इस नाचीज की झोली में भी मिलेंगी। मैं मतला यहीं से हासिल करती हूँ, चूंकि एक गंगा जमनी तहजीब का मुशायरा है, तो एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह शायरी की हिफाजत करते हैं। मुलाज़फ़ में सुनिएगा। एक मरतबा जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत देने की, आप बिल्कुल बेदार हैं। बहुत शुक्रिया नवाज़िश। पास इस तरह अंधेरे के उजाला भी रहे, क्या बात है। पास इस तरह अंधेरे के उजाला भी रहे, मेरी मस्जिद भी रहे तेरा शिवाला भी रहे, मेरी मस्जिद भी रहे तेरा शिवाला भी रहे। जहर के लब सदा घोल के देने वाले, जहर के लब सदा घोल के देने वाले, तेरे हाथों में कभी प्यार का प्यार। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे मोहतरमा, बहुत अच्छा भी रहे। बहुत अच्छा नवाजिश। आपको मोहब्बतों को सलाम करती हूँ। मेरा भाई अकमल बलरामपुरी साहब लड़कियों पर बहुत सारे शेर सुनाए हैं, मैं उनको एक शेर नजर करती हूँ, एक मतलब और एक शेर नजर करती हूँ। अगर लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है तो एक शख्स में दुआएं चाहती हूँ, हाजिर करती हूँ अकमल भाई से, आपको शरीक करती हूँ। सुनिए। हर एक किसी को अपनी मोहब्बत नहीं देती, क्या बात है।
मोहब्बत नहीं देती हर एक किसी को अपनी मोहब्बत नहीं देती मोहब्बत नहीं देती गैरों को कभी सुन लो नसीहत नहीं देती नसीहत नहीं देती मैं जहर तेरे प्यार में खा सकती हूँ मगर मैं जहर सकती हूँ मगर तहजीब मेरे घर की इजाजत इजाजत नहीं देती इजाजत नहीं देती बहुत शुक्र नवाजिश एक मत और शेर और हाजिर करते हूँ मुलाजा सुनेगा अजनबी शख्स को हकदार बना देता है क्या बात है अजनबी शख्स को हकदार बना देता है जो जुलेखा को खरीदार बना देता है जो जुलेखा को खरीदार बना देता है वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम लेकिन वो मुझे छोड़ गया इसका नहीं गम लेकिन प्यारे इंसान को बीमार बना देता है बहुत अच्छे भाई ये मोहतरमा ये अमरेश यादव जी के तरफ से आपको जो है मोहब्बतें पेश की गई है इसको कबूल कीजिए जी भाई बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया नवाजिश आप सबकी मोहब्बतों को सलाम करती हूँ ये आली जनाब सत्तार और आली जनाब रब्बान आपके तरफ से आए हैं आपके लिए मोहब्बतों को हदिया बहुत शुक्रिया आइए मैं गजल पढ़ना चाहती हूँ जी जो मेरी पसंदीदा गजल है क्योंकि इल्मी अदब का गहवारा है और शेर की हिफाजत करना जानते हैं मैं उम्मीद के साथ हाजिर करती हूँ कि इंशाल्लाह कोई भी गजल का शेर मेरा जाया नहीं जाएगा मैं मतलब हाजिर करती हूँ कुछ लोग तो इस तरह बैठे हुए कि जैसे मिलाद अकबर सुन रहे हैं अगर आप मुशायरे से जुड़े हुए तो उसका सबूत दीजिए हाजिर करती हूँ मुलायज़ा फरमाए सुनेगा हीरा मुखिया जी हाजिर करते हो गजल का मतलब मुलायज़ा फरमाए नसीम भाई सुनिएगा हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं बहुत हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं सांस क्या ठहरी कि अब पहचानता कोई नहीं हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं ये जनता हॉस्पिटल की तरफ से आपके लिए डॉक्टर प्रवीर साहब की तरफ से मतलब बहुत शुक्रिया फिर से मतलब पढ़ा बहुत बहुत शुक्रिया अगर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ा दें जी अता करें हम नशी कोई और हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं सांस क्या ठहरे कि अब पहचाना कोई नहीं हम नशी कोई नहीं और दिल रुबा कोई नहीं बहुत शुक्रिया शेर बिहारी का तुम्हारा रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो जब इन आंखों से दिल का फासला अच्छा है बहुत अच्छा मुहतरमा बहुत शुक्रिया नवाजिश
हादी भाई की नजर करते हुए शेर मुलाजा फरमाए सुनेगा जी भाई। रोज ही आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, आपकी आधी नजर याद है, आंखों में आकर फिर पलट जाते हैं वो, जब कि इन आंखों से दिल का फासला कोई नहीं, हम नहीं और दिल रुबा कोई नहीं। ये शेर में बशारत भाई, मुहिबुल्ला साहब, नसीम साहब, कैसर अली राणा साहब, दिल खैराबादी साहब, बस्तवी साहब, आफ्ताब आलम साहब, इन सबको नजर करते हुए आप सबके हवाले करती हूँ मुलाजा फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई भी शख्स इस शेर पर खामोश नहीं रहेगा, मुलाजा फरमाए सुनेगा। बहुत शुक्रिया, सुनेगा। जाने कैसा कैफ उतारी है तुम्हारे शहर में, क्या बात है, जाने कैसा कैफ उतारी है तुम्हारे, जाने कैसा कैफ उतारी है तुम्हारे शहर में, जाने कैसा कैफ उतारी है तुम्हारे शहर में, मुस्कुराते हैं सभी और बोलता क्या बात है। फिर से पढ़े मोहतरमा, सुनेगा। बहुत शुक्रिया नवाजिश, आप सबको भी शरीक करती हूँ, अगर आपका दिल है तो उसको भी धड़काना जरूरी है, हाजिर कर दो, आप सबको भी शिरकत चाहती हूँ, मुलाजा फरमाए सुनेगा। जाने कैसा कैफ उतारी है तू